नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स के अंदर। और हमारे इस चैनल पे मैं आपके लिए टेक और टेलीग्राम से रिलेटेड काफी यूजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अभी तक आपने हमारे चैनल ग्रे मैटर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें हमारे फ्यूचर में ऐसी और भी शानदार वीडियोज के लिए। हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप एक फुल्ली ऑटोमेटेड यूट्यूब शॉर्ट चैनल कैसे बना सकते हैं पाइथन का इस्तेमाल करके, और वो भी बिना कोडिंग सीखे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो एक्चुअली हम यहाँ पे एक पाइथन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे जिसकी मदद से हम एक वेबसाइट के ऊपर से वीडियोस को डाउनलोड करेंगे। वीडियोस डाउनलोड करने के बाद वो पाइथन स्क्रिप्ट उसके अंदर गानों को वीडियोस के अंदर लगाएगी, एडिट करेगी और उसके बाद ऑटोमेटिकली उन वीडियोस को यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेगी। तो सबसे पहले आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको कोड के ऊपर क्लिक करके हमारी इस गिटहब रिपोजिटरी को डाउनलोड कर लेना अपने पीसी के अंदर। इसके बाद आपको अपने लैपटॉप के अंदर पाइथन को इंस्टॉल करना होगा, लेटेस्ट वर्जन पाइथन का इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद हमें यहाँ पे कोड एडिटर की जरूरत होगी जिसके लिए मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करूंगा, इसको भी आप अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आपको अपने डिवाइस के अंदर क्रोम का बेटा वर्जन इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद सबसे बेसिक चीज़ है कि आपके पास एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑलरेडी यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं फालतू की वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। और YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद आपको उसके अंदर एक डिफॉल्ट सेटिंग सेट करनी पड़ेगी। सेटिंग्स में जाकर आपको डिफॉल्ट अपलोड्स पे जाना है और सबसे पहले अपनी डिफॉल्ट वीडियो टाइटल सेट कर देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कुछ भी, जो भी आप डालना चाहते हैं, अपना डिस्क्रिप्शन डाल देना जो भी आप डालना चाहते हैं, अपने टैग्स डाल देना अपने वीडियोज़ के अंदर और यहाँ पे भी अपने टैग्स डाल देना। इसके बाद आपको यहाँ पे चैनल वाले पेज पे आना है और एडवांस सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पे ये कर देना है, नो सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इन सेटिंग्स को यहाँ पे जरूर कर देना और ये जो हमारा जिप फाइल डाउनलोड हुई है इसको मैं यहाँ पे अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। और आपको इस जिप फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका जो पाथ है इसके अंदर आपको टाइप करना है CMD और एंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये कमांड टाइप करनी है और एंटर प्रेस कर देना है, जिससे हमारी जितनी भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगी इसका पाइथन बॉट को रन करने के लिए वो यहाँ पे हमारे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे कोड स्पेस डॉट टाइप करना है और एंटर प्रेस कर देना है, जिससे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो हमने इंस्टॉल करा था वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा इस फोल्डर के अंदर। लेफ्ट में आप हमारे सारे फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सॉन्ग्स वाला जो फोल्डर है इसके अंदर यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है TXT फाइल, इसको यहाँ पे डिलीट कर देना है। और इस सॉन्ग्स वाले फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे सॉन्ग्स डाल देने हैं जिन्हें आप यूज करना चाहते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। तो मैंने यहाँ पे 11 सॉन्ग्स पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं और इनको मैं सॉन्ग्स फोल्डर के अंदर डाल दूंगा। और एक चीज का आप यहाँ पे ध्यान देना कि आप फाइल्स को इसी तरह से नेम कर दें, Audio 1, Audio 2, Audio 3, Audio 4, .mp4 एक्सटेंशन, MP3 एक्सटेंशन रखना उनका। तो मैंने यहाँ पे 11 सॉन्ग्स को डाल दिया है। बाद हम आपके विजुअल स्टूडियो कोड पे वापस आते हैं और आपको ये वाली फाइल है scrape.py, इसका हम यूज करेंगे वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जो वीडियोस डाउनलोड करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म की मदद से। यहाँ पे पिक्सल्स का इस्तेमाल करूंगा, आप चाहे तो किसी और प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। जिस भी तरह की आपको वीडियो चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लग्जरी सर्च कर लेता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करना है और वीडियोस के अंदर जाके आपको यहाँ पे फिल्टर्स यूज करेंगे हम यहाँ पे, और ओरिएंटेशन में इसको वर्टिकल कर देना क्योंकि हमारी यूट्यूब जो शॉर्ट्स होती है उनका साइज वो होता है वर्टिकल। अब इसके बाद जो उसका URL एड्रेस बनेगा उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे वापस जाना और ये दिख रहा है आपको यहाँ पे लाइन 12 पे मिलेगा URL, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के बीच में इसको पेस्ट कर देना जो हमने URL कॉपी किया था। अब इसके बाद हम अपने क्रोम ब्राउजर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, अब इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन करना। अभी ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली चल रही है और इसने क्रोम ब्राउजर ओपन करके इस वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लिया है। फिर वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आना जब ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाए और ये हमसे पूछ रही है कि आप कितनी वीडियोस यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 10 वीडियोज को डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद ये हमसे पूछेगी कि आपके पास गाने कितने हैं, मतलब आपने सॉन्ग्स वाले फोल्डर के अंदर कितने गाने डाले हैं। तो मैं हालांकि मैंने डाले तो 11 गाने लेकिन मैं यहाँ पे 10 ही गानों को यूज करूंगा। अभी वीडियो के ये यहाँ पे स्क्रिप्ट क्या कर रही है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर से वीडियोस को डाउनलोड कर रही है, उनके अंदर एडिट करके इन गानों को लगा रही है। तो हमारी स्क्रिप्ट ने अपना यहाँ पे काम कर दिया और हमारी 10 वीडियोस यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी हैं जो कि आपको वीडियोस फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। इसके बाद वीडियोस फोल्डर में आके ये जो
txt फाइल है, इसको यहाँ पे डिलीट कर देना ध्यान से, और फिर हम मैं आपको दिखाता हूँ हमारी वीडियोस किस तरह की बनी। एक और वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए आप इस वीडियोस को अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम यूज करेंगे upload.py वाली फाइल का। और इसको यहाँ पे रन करने से पहले, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर, जो क्रोम का बेटा ब्राउजर है, उसको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे URL एड्रेस के अंदर ये टाइप करना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा प्रोफाइल पाथ। प्रोफाइल पाथ में डिफॉल्ट स्लैश डिफॉल्ट से पहले, जैसे मैंने कॉपी किया है, इसको कॉपी कर लेना, फिर यहाँ पे वापस आना, और यहाँ पे लाइन 11 पे मिल जाएगी आपको यूजर डाटा डायरेक्टरी के बाद, यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद जो भी लिखा हुआ है इसकी जगह इसको डाल देना, इस पाथ को जो हमने अभी कॉपी किया था। फिर उसके बाद वापस इस पे आना है क्रोम बेटा पे, और यहाँ पे जो हमारा एग्जीक्यूटेबल पाथ है इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेना, और फिर उसके बाद इसके नीचे ही बाइनरी वाली लोकेशन है, इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको डाल देना। अब इसके बाद जो आपका क्रोम बेटा वर्जन है, इसके अंदर अपने यूट्यूब स्टूडियो को, मतलब जो भी आपका यूट्यूब अकाउंट है जो आपने बनाया है, उसको यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन करके रखना। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हुआ है बीटा वर्जन के अंदर। अब इसके बाद फाइनली बस आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे क्लोज करके इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन करना है, और ये स्क्रिप्ट हमारी यूट्यूब वीडियोस को ऑलरेडी ऑटोमेटिकली अपलोड करेगी यूट्यूब के ऊपर। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दी कि जो हम यहाँ पे यूज़र डायरेक्टरी वाला जो पाथ डालेंगे, इसके अंदर आपको यहाँ पे डबल बैक स्लैश लगाना है। यहाँ पे सिंगल लगे हुए हैं, विंडोज़ के अंदर आपको डबल बैक स्लैश लगाना है, मैक ओएस के अंदर सिंगल से आपका काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्योंकि विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पाथ के अंदर हर जगह डबल बैक स्लैश लगा दूंगा, सिर्फ इस वाले पाथ में, एग्जीक्यूटेबल वाले पाथ में आपको नहीं लगाना। और फिर अगेन स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन कर देते हैं हम अपनी। तो देखो हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो चुकी है। अभी हमसे पूछ रही है सबसे पहले कि आप एक ही वीडियो को YouTube के ऊपर बार बार अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 1 दबाए, अगर आप मल्टीपल वीडियोस को अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 दबाए। तो यहाँ पे मैं मल्टीपल वीडियोस को अपलोड करना चाहूँगा और 2 दबा के एंटर प्रेस करूँगा। अब हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन होगी, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करेगी, क्रोम के बीटा वर्जन को। देखो इसने यहाँ पे ओपन कर दिया, अभी यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करेगी ऑटोमेटिकली। तो देखो इसने यहाँ पे हमारा YouTube स्टूडियो ओपन कर लिया है। इसके बाद ये अब फाइल को यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने माउस को यहाँ पे मूव नहीं कर रहा हूँ और अपने कीबोर्ड को भी प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट टाइटल और सब जो डिस्क्रिप्शन आ रहा था वो यहाँ पे डल चुका है, ये नेक्स्ट कर रही है और यहाँ पे हमारी वीडियो को अपलोड करेगी। इसके बाद मैंने जो डिफॉल्ट रखा था सेटिंग में, वो अनलिस्टेड रखा था अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए, आप चाहे तो पब्लिक और प्राइवेट कुछ भी रख सकते हैं। और देखो हमारी यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट अपलोड हो चुकी है। अब ये क्रोम को बंद कर देगी और दोबारा यहाँ पे स्क्रिप्ट रन होगी और दूसरी वीडियो को अपलोड करेगी यूट्यूब के ऊपर। तो हमारी स्क्रिप्ट कुछ इसी तरह यहाँ पे वर्क करती रहेगी। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे सारी वीडियोज अभी अपलोड नहीं करनी है, और आपको अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने 2 वीडियोज अपलोड करी हैं और दोनों शॉर्ट्स हैं और दोनों वीडियोस अलग हैं, एक कार वाली और एक यहाँ पे बीच वाली है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये स्क्रिप्ट यहाँ पे वर्क करती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक यहाँ पे ज़रूर देना क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से मैंने बनाई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए कुछ इसी तरह का कंटेंट लाता रहूँगा।